टीम इंडिया की दुबई में मस्ती, भारतीय खिलाड़ियों ने की बोटें, सर्फिंग कर मनाया सुपर फोर में पहुंचने का जश्न। नमस्कार, मैं कुलदीप साहू और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। दुबई में चल रहे एशिया कप के सुपर फोर में जगह बना चुकी टीम इंडिया के समुद्र के किनारे मस्ती करते नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को BCCI ने एक वीडियो पोस्ट किया है। इसमें ओपनर KL राहुल और अर्शदीप सिंह सर्फिंग कर रहे हैं तो कप्तान रोहित शर्मा बोटिंग का मजा ले रहे हैं। वहीं चहल अश्विन पैडल बोट चला रहे हैं। इतना ही नहीं, विराट कोहली सहित टीम के अन्य खिलाड़ी बीच पर वॉलीबॉल भी खेल रहे हैं। वीडियो की शुरुआत अर्शदीप सिंह की एंट्री होती है, फिर विराट कोहली लाइफ जैकेट पहनकर नजर आ रहे हैं। 1:34 के वीडियो को सोशल मीडिया में खूब पसंद किया जा रहा है। इसे 1 घंटे के अंदर 49,000 लोग देख चुके हैं। टीम इंडिया हांगकांग पर एक तरफा जीत से सुपर फोर राउंड में पहुंच चुकी है। उसने हांगकांग को 40 रनों से हराया था। टीम इंडिया ने पहले तो 152 रन का स्कोर खड़ा किया, फिर हांगकांग को 152 रन पर समेट दिया। सूर्य कुमार यादव भारत के जीत के हीरो रहे। उन्होंने 26 गेंदों पर 6 चौके और 6 छक्कों की मदद से नाबाद 68 रन बनाए। विराट कोहली 44 गेंद पर 69 रन बनाकर नाबाद रहे। KL राहुल ने 39 गेंदों पर 36 रन जोड़े थे। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भी हांगकांग को हराकर सुपर राउंड फोर में पहुंच चुकी है। अब भारत और पाकिस्तान का मुकाबला रविवार को होने जा रहा है। इंडिया और पाकिस्तान के मैच के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद। जिस तरह क्रिकेट फैमिली और हम जो एंजॉय करें, आप देख सकते हैं कि सब कितने खुश हैं, कितने एक्साइटेड है, क्योंकि फॉर समवन इज समथिंग न्यू। और ये अगर होता रहता तो इससे आपकी एक बॉन्डिंग और बनती है और आप मतलब एक टीम की तरह एक साथ एकजुट रहते हैं।